हम देखते हैं कि अहोरा रियुमाक के सामने होता है और उसे लड़ने को तैयार होता है। इस पर रियुमाक कहता है, मुझे तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीद है अहोरा, बस मुझे निराश मत करना किंग ऑफ लाइट सैयन। इस पे अहोरा कहता है, चिंता मत करो, उसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये बात को अहोरा कहता है तभी हम देखते हैं कि रियुमाक अचानक से अहोरा पे अपना हमला करता है और वो काफी तेज होता है, लेकिन अहोरा फिर भी उसके हमले को देख लेता है और उसके हमले को वो रोक लेता है। उसे ऐसा करता देखकर रियुमाक काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। इस पे अहोरा कहता है, अभी तो ये शुरू हुआ है, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जिसके तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये कहने के बाद अहोरा भी रियुमाक पे अपना हमला करता है जिसे कि रियुमाक रोकता है, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है, वाकई में मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि तुमने अपनी ताकत को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तुम वाकई में मेरा सामना कर पा रहे हो, इस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काबिल-ए-तारीफ भी है। लेकिन तुमने एक बात बिल्कुल सही कही, ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे ही ये बात रियुमाक कहता है, हम देखते हैं कि अहोरा अचानक से रियुमाक पे टूट पड़ता है और उस पे अपने हमले को करने लगता है। रियुमाक भी उस हमले को रोकने लगता है और उससे कहता है, चलो भी अहोरा, अपनी पूरी ताकत लगाओ, दिखाओ मुझे तुम्हारे पास क्या है, एक किंग ऑफ इलाइट सैयन की असली ताकत। अहोरा उस पे अपना लगातार हमला किए जा रहा होता है, लेकिन रियुमाक उसके हमले को कंटिन्यू रोके जा रहा था। तभी ग्यूरा कहता है, वो किंग अहोरा के हर हमले को रोके जा रहा है, ये लड़ाई बहुत ही भयानक रूप ले सकती है। इस पे कोड़ा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, पिताजी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन वो लॉर्ड सेकेंड, उसकी सारी ताकत अभी भी छुपी हुई है, उसने शायद अभी तक अपने सिर्फ 1% ताकत का ही इस्तेमाल किया है। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि इस लड़ाई में हमारा सामना इनसे भी हो सकता है। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा अगर तुम सिर्फ इसके बारे में सोच रहे हो तो पता नहीं अगर वो आ गया तो क्या होगा। इस पे कोड़ा कहता है, क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे नहीं लगता कि वो इन सब चीजों में शामिल होंगे। इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि हमें रियुमाक का भी सामना करना पड़ सकता है, उससे लड़ना लगभग नामुमकिन है, उन दोनों को हराना यूनिवर्स के किसी भी बींग के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस पे कोड़ा कहता है, लेकिन मैं जितना पिताजी को देख पा रहा हूं वो पहले के मुकाबले मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, शायद इतनी कि मैं उनकी ताकत की भी कल्पना नहीं कर सकता। उधर हम देखते हैं कि अहोरा लगातार रियुमाक पे अपने हमले को किए जा रहा होता है, रियुमाक उसके हर हमले को रोके जा रहा होता है। तभी रियुमाक कहता है, चलो भी अहोरा, मुझे पता है तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, अपनी ताकत को बाहर आने दो,
मैं उसे देखना चाहता हूं। ये कहने के बाद र्यूमार्क फिर से अहोरा पे अपना हमला करता है, लेकिन अहोरा फिर से उसके हमले को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम भी अपनी ताकत को छुपाना बंद करो और मुझसे अपनी पूरी ताकत में लड़ो, समझे? तुम्हें क्या लगता है मैं यहां पर तुमसे खेलने के मकसद से आया हूं? ये कहने के बाद अहोरा र्यूमार्क पे फिर से अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से र्यूमार्क फिर से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और इस पे अहोरा फिर से कहता है, र्यूमार्क, मैं जानता था कभी न कभी मेरा सामना तुमसे जरूर होगा, और अगर गॉड्स कुछ नहीं कर पाएंगे तो तुम जरूर बीच में आओगे साइंस का वजूद मिटाने के लिए, और कहीं ना कहीं तुम भी ये बात को अच्छे से जानते थे कि मैं उस जगह पर हमेशा के लिए सील नहीं रहने वाला, मैं कभी ना कभी बाहर जरूर आऊंगा। इस पे र्यूमार्क कहता है, क्या बात है अहोरा, तुम तो बहुत ही ज्यादा तेज हो, तुम ये सारी बातें समझ चुके हो। मैं जानता था कि तुम्हें उस वक्त सील करना सही नहीं है, लेकिन सभी गॉड्स के फैसले के आगे मैं कुछ नहीं कह पाया, और सभी का फैसला यही था कि उनमें से कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता था, उन सब में से किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस ताकत को हासिल करूंगा और सभी गॉड से ताकत के मामले में ऊपर हो जाऊंगा, और जिस दिन तुम बाहर आओगे तुम्हारे सामने मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। इस पे अहोरा कहता है, जब तक मैं हूं तब तक तुम या फिर कुसायामा, तुम दोनों में से कोई भी मेरे साइंस को नहीं नुकसान पहुंचा सकता, समझे? मैं किंग अहोरा ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। ये बात को सुनने के बाद र्यूमार्क हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम लॉर्ड कुसायामा के बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ हो तुम सब के सब, तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारा सौभाग्य है कि कुसायामा यहां पर अभी नहीं है, वरना तुम सब तो कब के मर चुके होते, समझे? इस पे अहोरा कहता है, खत्म इस बार सिर्फ गॉड्स होंगे, मेरे साइंस बिल्कुल भी नहीं, समझे? इस पे र्यूमार्क कहता है, खैर लॉर्ड कुसायामा की बात तुम बाद में करना, पहले तुम जरा इसका सामना करो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि र्यूमार्क अपने हमले को अहोरा पे काफी तेजी के साथ करता है। अहोरा फिर से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अहोरा इस बार उसके हमले को समझ नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि र्यूमार्क उस पे फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और लगातार उस पे अपने कई सारे हमले को करने लगता है, और अब अहोरा भी उसके हमले को रोक नहीं पा रहा होता और उससे पिटता जा रहा था। ये देख के ग्यूरा कहता है, ये लड़ाई बेफिजूल की है। इस पे कोड़ा कहता है, मैं समझ सकता हूं तुम क्या कहना चाहते हो, शायद हो सकता है हमारा जीतना इतना आसान नहीं हो, लेकिन पिताजी, मैंने उनके अंदर काफी अलग शक्ति महसूस की है, शायद मुझे लगता है हमारे पास एक छोटी सी उम्मीद है, हमें मिलकर इसे लड़ना होगा। इस पे ग्यूरा कहता है, गोड़ा,
मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस बारे में क्या कहूँ। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि किंग अहोरा अभी भी लड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन र्यूमार्क, उसके बारे में कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जब ये लड़ाई सच में एक बहुत ही गंभीर रूप ले लेगी, उस तबाही की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि र्यूमार्क अहोरा से कहता है, चलो भी किंग ऑफ इलाइट सैयन, क्या हुआ? तुम अभी से ही कमजोर पड़ रहे हो? अपनी ताकत को छुपाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो कि वक्त आने पर तुम इसका इस्तेमाल करोगे और सबको बचा लोगे? बेवकूफ कहीं के, कोई भी नहीं बचने वाला, सब के सब मारे जाएंगे और ये तय है। जैसे ही ये बात र्यूमार्क कहता है, हम देखते हैं कि र्यूमार्क के हमले को अहोरा पकड़ लेता है और उसे ऐसा करता देखकर र्यूमार्क भी काफी चौंक जाता है और वो खुद से अहोरा को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अहोरा को खुद से छुड़ा नहीं पाता। तभी अहोरा गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, मैं जब तक जिंदा हूं, तुम हो या कुसायामा, तुम दोनों में से कोई भी मेरे सैयंस को नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। ये कहने के बाद अहोरा उस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिसे कि र्यूमार्क रोकता है, लेकिन वो अहोरा के हमले को रोकने में नाकामयाब रहता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। कोड़ा ये देख के काफी ज्यादा हैरान रहता है और कहता है, पिताजी, शायद मैं बिल्कुल सही सोच रहा था। पिताजी बहुत ही ज्यादा बदल चुके हैं हर तरफ से, खासकर अपनी ताकत के मामले में। तभी र्यूमार्क खड़ा होता है और कहता है, ये क्या था? उसका हमला सच में इस बार ताकतवर था। शायद ये लड़ाई थोड़ी और मजेदार हो जाएगी। अहोरा, तुम गॉड से ताकत के मामले में आगे निकलने के बारे में सोच रहे हो? भले ही तुम सबसे ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम दो गॉड से हमेशा पीछे रहोगे। तुम्हें तो मैं ही मारूंगा, लेकिन अभी शायद ये सही वक्त नहीं है। तुम सबके पास थोड़ा वक्त और है, थोड़ा और जी लो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। और हाँ, एक बात और, तुम सबका विनाश तय है, क्योंकि वो जरूर आएगा। सृष्टि का निर्माण फिर से होगा और तुम सबका खात्मा। ये कहने के बाद र्यूमार्क वहां से चला जाता है और अहोरा उसे देखता रहता है और मनी मन कहता है, नहीं र्यूमार्क, अब हमारी नहीं, तुम सबकी बारी है। और किंग अहोरा इस बार सभी के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो।